गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे 21 जून के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आज थोड़ा सा चेंज मैंने किया हुआ है। एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो ऐसे तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन से आपसे पूछा जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने टोटल 10 क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है, और ये वो क्वेश्चन हैं जो लेफ्ट आउट हो गए थे कहीं ना कहीं, तो उनको आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो कमेंट्स में कोई ये नहीं लिखेगा कि आज के करंट अफेयर्स कहाँ पे हैं, वो क्यों इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो जो भी करंट अफेयर्स आज के हैं वो हम कल या फिर सब्सिक्वेंटली कहीं ना कहीं एड ऑन करके उसको कवर कर लेंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है, बस हमारा पर्पज़ यहाँ पे क्या रहता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने पाए। तो इसीलिए आज आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ पे मिलेंगे, और कुछ स्पेस वाले करंट अफेयर्स भी हैं। और उसके बाद हम लोग मई मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, जिसमें आज हम पार्ट 3 करेंगे। ठीक है, जहाँ पे हमने पिछली बार छोड़ा था वहाँ पे हमने 2 पार्ट कर लिए थे मई के, जिसमें हमने 15-15 करके क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। और आज हम इसका पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 45 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मे बी कल से हो सकता है कि करंट अफेयर्स जिस तरह से हम लोग कर रहे थे पुराने करंट अफेयर्स को रिलेट करते हुए, उसको और साथ ही साथ ये वाले मई वाले करंट अफेयर्स को लास्ट में ऐड करके पूरा सेशन हम करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये आपके लिए रेलेवेंट है कि नहीं, अदरवाइज इसको आज के बाद फिर हटा दिया जाएगा। डजेंट मैटर, आप जैसा बोलेंगे वैसे ही होगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप अपना व्यू ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा कि किस तरह का पैटर्न आपको ठीक लग रहा है। तो बस यही बताना था आपको, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। VLA-1553 बेस्ड ऑन द ला रीयूनियन स्ट्रेन इज अ वैक्सीन अगेंस्ट विच डिजीज। VLA-1553 ला रीयूनियन स्ट्रेन पर आधारित किस बीमारी के खिलाफ एक टीका है? तो ये जो है एक ला रीयूनियन स्ट्रेन है चिकनगुनिया का, जो कि ईस्ट सेंट्रल साउथ अफ्रीकन जेनोटाइप है। ठीक है, किस वजह से आजकल न्यूज़ में है? क्योंकि इसका जो Phase 3 क्लिनिकल ट्रायल है उसमें ये डिमॉन्स्ट्रेट हुआ है कि लाइव चिकनगुनिया वैक्सीन हाई लेवल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और इस वैक्सीन के हेल्प से जो रिस्पॉन्स रेट रहा वो था 98.9% पे। और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब जिनको ये वैक्सीन लगवाई गई है, 28 डेज के अंदर ही उनके अंदर सुधार आ गया। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि ये जो VLA-1553 है ये एक वैक्सीन है अगेंस्ट विच डिजीज, तो आंसर हो जाएगा चिकनगुनिया। द ब्लैक बॉक्स पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज लिमिटेड टू हाउ मेनी डेज। मानव विकास का ब्लैक बॉक्स काल कितने दिनों तक सीमित होता है? तो रिसर्चर्स ने हाल ही में जनरेट किया है आर्टिफिशियल ह्यूमन एम्ब्रियोस को, किसका यूज़ करके? स्टेम सेल्स का यूज़ करके। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है इसमें जो कन्वेंशनल रिक्वायरमेंट होती है एग्स और स्पर्म की, ऑब्वियसली वो हटा दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट करना है तो आपके पास ये दो चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है इस एम्ब्रियो के फॉर्मेशन प्रोसेस में। ठीक है, तो ये जो मॉडल एम्ब्रियो हैं ये रिजेंबल करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस को, और ये एक क्रूशियल विंडो हो सकता है ऑन द इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स और जो बायोलॉजिकल कॉजेज हैं रिकरेंट मिसकैरेज के। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस काम का? एक तरह से प्रकाश डालना ऑन द ब्लैक बॉक्स पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि लिमिटेड होता है 14 डेज का अंडर करंट रेगुलेशन। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि ब्लैक बॉक्स पीरियड आजकल इसी वजह से न्यूज़ में है, और ये पीरियड कितने दिन का होता है? 14 दिनों का। द भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपेंड इन विच ईयर? भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई थी? तो ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है 1984 में हुई थी, और एक रिसेंट स्टडी में ये पाया गया कि जो हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके वो बहुत ज़्यादा हैं, और अब तक ये जनरेशन्स को वहाँ पर इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तक लगभग 40 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी के शिकार पाए जाते हैं, या फिर कभी ना कभी वो कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं बिकॉज ऑफ टॉक्सिक गैस। ठीक है, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? 1984 में। विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द एंटीनाज ऑफ मोबाइल टावर्स एंड मोबाइल हैंडसेट? मोबाइल टावर और मोबाइल हैंडसेट के एंटीना से कौन सी ऊर्जा निकलती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन जो है ये क्या होता है? ये एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है जो कि रिलीज़ होती है मोबाइल टावर के एंटीना से या फिर मोबाइल हैंडसेट से, और इसको क्लासिफाई किया जाता है एज नॉन आयनाइजिंग, और ये पजेस करती है एक्सट्रीमली मिनिमल एनर्जी लेवल्स। फाइन, तो हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने एक वेबिनार कंडक्ट किया
एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। और इस वेबिनार का पर्पस क्या था? अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये बताना, ठीक है। तो इसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके सोर्सेज क्या हैं, तो मोबाइल टावर के एंटीना और मोबाइल हैंडसेट से निकलती है। विहू कू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द तंगसा ट्राइब इन विच इंडियन स्टेट। तंगसा जनजाति द्वारा विहू कू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? विहू कू फेस्टिवल जो है तंगसा ट्राइब सेलिब्रेट करती है, और ये ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश में। ये एक कम्युनिटी है बेसिकली, जो कि जानी जाती है अपने एग्रीकल्चरल कस्टम्स और प्रैक्टिसेस के लिए। और ये जो फेस्टिवल है विहू कू, इससे जो है जो एग्रीकल्चरल सीजन है इस रीजन में उसकी बिगनिंग मार्क की जाती है। फाइन, तो दो बातें याद रखिएगा, विहू कू फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट होता है? अरुणाचल प्रदेश में। और कौन सी ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है? तो आंसर हो जाएगा तंगसा ट्राइब। विच स्पेस एजेंसी पोस्टेड अ फोटो ऑफ अ फ्लावर दैट ब्लूम्ड इन द जीनिया प्लांट इन द स्पेस गार्डन। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष उद्यान में झिननिया के पौधे में खिले फूल की तस्वीर पोस्ट करी है? तो इस फ्लावर की फोटो आपने थंबनेल में देखी होगी। नासा ने इस फोटो को पोस्ट किया है, जो कि ब्लूम हुआ है जीनिया प्लांट में, जिसको कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ग्रो करवाया गया था। और इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि अब हम स्पेस में और भी चीज़ें, फूड वगैरह ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। तो पहली बार इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया गया था 2015 में नासा के एस्ट्रोनॉट जेल लिंडग्रेन ने, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये फोटो पोस्ट करी है नासा ने। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सीज द सेल ऑफ विच प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेंट्रल पूल थ्रू ओपन मार्केट सेल स्कीम टू द स्टेट्स। सरकार ने राज्यों को ओपन मार्केट सेल स्कीम के माध्यम से केंद्रीय पूल से किन उत्पादों की बिक्री बंद करने का निर्णय लिया है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो राइस और वीट की सेल है उसको बंद किया जाएगा फ्रॉम द सेंट्रल पूल थ्रू द ओपन मार्केट सेल स्कीम टू द स्टेट गवर्नमेंट, जो दिया जाता था अब तक। और इस डिसीजन से होगा क्या, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे, लाइक कर्नाटका, ठीक है। इसका एम क्या है? इन्फ्लेशन को कर्व करना और एडिक्वेट स्टॉक लेवल को एंश्योर करना, ठीक है। तो कौन सी दो चीज़ें हैं ये? आंसर तो बताया नहीं, आंसर हो जाएगा राइस एंड वीट, चावल और गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच इंडियन PSU हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द फोर्ब्स द ग्लोबल 2000 लिस्ट फॉर 2023 बाय असेंडिंग 52 प्लेसेस। किस भारतीय PSU ने फोर्ब्स की 2023 की द ग्लोबल 2000 सूची में 52 स्थान ऊपर चढ़कर महत्वपूर्ण प्रगति की है? तो ये है इंडिया की महारत्न NTPC लिमिटेड, जो कि लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी है इंडिया की, और इसने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दर्ज कराया है फोर्ब्स की द ग्लोबल 2000 लिस्ट में फॉर द ईयर 2023, ठीक है। और कंपनी जो है वो 52 पोजिशन से ऊपर चली गई है, और अब फाइनली इसकी रैंक हो चुकी है 433, फाइन। और 2022 में इनकी रैंक थी 485, तो फाइनल रैंक इनकी क्या है? आंसर हो जाएगा 433। एनसेलेडस इज द मून ऑफ विच प्लैनेट, ये किस ग्रह का चंद्रमा है? तो एनसेलेडस सिक्स्थ लार्जेस्ट मून है सैटर्न प्लैनेट का, और ये ऑर्बिट करता है सैटर्न के ई रिंग में, जो कि इसकी आउटर मोस्ट मेजर रिंग है। और हाल ही में रिसर्चर्स ने पाया कि फॉस्फोरस, जो कि की बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का, ये पाया गया है इस मून के सरफेस के नीचे, जो ओशन है इसमें, ठीक है। तो एनसेलेडस किस प्लैनेट का मून है? आंसर हो जाएगा सैटर्न का। क्लस्टर एन इज एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ बर्ड? क्लस्टर एन पक्षी के किस भाग से संबंधित है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटेरियो इन कैनेडा की रिसर्चर्स ने ये बताया है कि बर्ड के ब्रेन में एक हिस्सा होता है जिसको आप क्लस्टर एन कहते हैं, और ये रीजन बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हैं टू डिटेक्ट एंड प्रोसेस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, ठीक है। और ये ज़्यादातर एक्टिव कब होती हैं? जबकि माइग्रेटरी पीरियड शुरू हो जाता है बर्ड्स का, और उनकी नेविगेशन एबिलिटीज़ को ये जगाती है, ठीक है। तो क्लस्टर एन बर्ड के ब्रेन पार्ट से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये कुछ हो गए हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस, जो बहुत ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ इनको एक बार क्विकली याद रख लीजिएगा, और कल हम लोग वापस से अपने नॉर्मल करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए मई मंथ के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं, जिसमें आज हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट क्वेश्चन है, मुथा मेज अलिग्नर डॉक्टर कलाइग्नर पेन मॉन्यूमेंट इज टू बी बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ विच पर्टिकुलर लीडर। तो जो 12 मेंबर की एक्सपर्ट अप्रेजल
कमिटी है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, इनकी मीटिंग हाल ही में हुई थी और इसमें ये प्रपोजल रखा गया कि मुथा मिस अग्रिग्नर डॉक्टर कलाइग्नर पेन मॉन्यूमेंट सेटअप किया जाएगा बे ऑफ बंगाल में और इस मॉन्यूमेंट को 30 मीटर्स हाई बनवाया जाएगा, साथ ही ये 8,551 स्क्वायर मीटर्स में फैला होगा, ठीक है, और इसको बनवाया जा रहा है इन द मेमोरी ऑफ लेट डीएमके पैट्रियार्क एम करुणा निधि. ओके, विच कंट्री हैज रिसेंटली बैंड ड्वार्फ बुल फाइटिंग? आंसर हो जाएगा कंट्री स्पेन. स्पेन ने हाल ही में ड्वार्फ बुल फाइटिंग पे रोक लगा दी है. ये एक तरह का इवेंट होता है जिसमें ड्वार्फ जो हैं वो डिफरेंट तरह के कॉस्ट्यूम्स में ड्रेसअप होते हैं और फिर वो बुल फाइटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है. द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल पुलिस मिशन इज ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो ये 48 एडिशन था इस कॉन्फ्रेंस का जो कि हुआ है हाल ही में नई दिल्ली में. वट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जगन अन्ना चेबुदम स्कीम? तो ये एक अपग्रेडेड वर्जन है पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल स्पंदना प्रोग्राम का और इसको लॉन्च किया गया है 9 मई को बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है. और पर्पज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रीवेंस रिड्रेसल. हो सकता है आपसे स्टेट पूछ लें कि ये स्कीम कौन से स्टेट की है, तो आंसर है आंध्र प्रदेश. विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च द लाडली बहना योजना? ये योजना है मध्य प्रदेश की और इसका एम है फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना वुमेन के लिए इन द स्टेट, ठीक है. तो बस याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश की स्कीम है. हु इज द फर्स्ट इंडियन टू कम्प्लीट द गोल्डन ग्लोब रेस? ये कौन है? आंसर हो जाएगा मिस्टर अभिलाष टॉमी, ठीक है. और ये रिटायर्ड कमांडर हैं जिन्होंने हाल ही में एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एज द फर्स्ट इंडियन टू कम्प्लीट द गोल्डन ग्लोब रेस. ये बेसिकली लॉन्गेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट है पूरी दुनिया का और टॉमी इसी के साथ पहले एशियन स्कीपर हो चुके हैं जिन्होंने ऐसा किया है. अब्दुल्ला अबूबकर हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली प्लेस विच स्पोर्ट? ये ट्रिपल जंप से एसोसिएटेड हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडलिस्ट भी रह चुके हैं. हाल ही में इन्होंने गोल्ड जीता है मिकियो ओडा मेमोरियल एथलेटिक्स मीट में जो कि हुआ था जापान में, ठीक है. इसी वजह से ये न्यूज़ में थे. और कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा केरला. इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी द मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड? ये सेंटर इनॉग्रेट हुआ है नई दिल्ली में और नाफेद ने इसके लिए कोलाबरेट किया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के साथ और इसका एम है अवेयरनेस क्रिएट करना ऑन मिलेट्स और जो इसका अडॉप्शन है जनरल पब्लिक में उसको इनकरेज करना. विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च द आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव? ये इनिशिएटिव है उड़ीसा का और अंडर दिस प्रोजेक्ट उड़ीसा गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए हैं 22.5 करोड़ रुपीज. इसमें डिसाइड हुआ है कि इंडिया की पहली रीसेटलमेंट कॉलोनी को सेटअप किया जाएगा ऐसे लोगों के लिए जो कि अफेक्टेड हैं कोस्टल इरोजन या फिर क्लाइमेट चेंज से, ठीक है. विच कंट्री अडॉप्टेड द बेसिक प्लान ऑन ओशन पॉलिसी? आंसर हो जाएगा जापान. तो जापान ने हाल ही में अडॉप्ट किया है अपना बेसिक प्लान ऑन ओशन पॉलिसी जिसकी हेल्प से जो मरीन सिक्योरिटी है उसको मजबूत किया जाएगा क्योंकि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है कहीं ना कहीं वो रीजनल सीज में बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है. वट इज द नेम ऑफ द कंपनी ओन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु प्लेज टू पे इन केस द कंपनी इज वाउंड अप? ऐसी कंपनी को हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. इसको यूजुअली नॉन प्रॉफिट और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट करते हैं. जॉनसन स्पेस सेंटर्स थर्मल वैक्यूम चैम्बर इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये कहाँ पे है? तो आंसर हो जाएगा यूएस. ये एक तरह की इंटीरियर कंडीशंस हैं जो कि मून में पाई जाती हैं और इस चैम्बर में हाल ही में साइंटिस्ट ने एक टेस्ट कंडक्ट किया है जिसके बाद सक्सेसफुली ऑक्सीजन को निकाला गया फ्रॉम सिमुलेटेड ल्यूनार सेल इन अ वैक्यूम एनवायरनमेंट. विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट 2023? ये रिपोर्ट जारी करी थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने. ओशन सेंसस प्रोजेक्ट इज एम्ड एट आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग हाउ मेनी स्पेशीज? तो आंसर हो जाएगा 1 लाख, ठीक है. ये एक एम्बिशियस ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसका एम है लगभग 1 लाख अननोन मरीन स्पेशीज को आइडेंटिफाई और रिकॉर्ड करना अगले 10 सालों के अंदर अंदर जिससे कि हमें डीप सी इकोसिस्टम के बारे में इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग हो सके. विच इज़ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इन इंडिया? तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया जो है गवर्निंग बॉडी होती है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की. किस वजह से आजकल न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में जो बार के डायरेक्टर हैं मिस्टर अजीत कुमार मोहंती इनको अपॉइंट किया गया था एज अ चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन साथ ही सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी. इसी वजह से ये न्यूज़ में था, ठीक है.
तो ये हो गए हमारे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस, और कल अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो 46 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस करेंगे। देखिए, इस तरह से कम कम क्वेश्चंस रिवाइज करने से प्रॉफिट क्या होता है कि आपके ऊपर अचानक से बर्डन नहीं आता है, और पुरानी चीज़ें इस तरह से अगर आप रिवाइज करते रहेंगे तो वो काफ़ी लंबे समय तक आपके दिमाग में सस्टेन रहेगा। ऑब्वियसली, क्योंकि आप इधर भी जो भी एग्जाम देंगे उसमें 6 महीने के करंट अफेयर्स पूछे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपना व्यू ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में कि किस तरह का आपको पैटर्न सही लग रहा है, उसी हिसाब से फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा, और अगर आप इन लेक्चर से कहीं ना कहीं बेनिफिट कर रहे हैं अपने मॉक टेस्ट में या एग्जाम्स में, तो प्लीज़ अपना फीडबैक आप शेयर किया करिए, इससे दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है। चलिए आपके क्विज पे चलते हैं। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस स्क्रीन पे शो हो रहे हैं जिनका आंसर आपको कमेंट्स में मेंशन करना है, और ऑलरेडी ये क्वेश्चंस हम पीछे कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, तो इससे टेस्ट होगा कि आप कितने ज़्यादा अटेंटिव होते हैं सेशन में, या करंट अफेयर्स पोर्शन आपका कितने अच्छे से तैयार होता चल रहा है। तो सब लोग बिना किसी का कॉपी किए, बिना एक दूसरे का देखे इसके जवाब कॉमेंट्स में मेंशन करेंगे, और फिर बाद में आप लोग एक दूसरे का आंसर देख के टैली कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे थे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू हत्सना साइनिंग ऑफ।